जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आम पाना बनाएंगे। आम पाना बहुत तरह से बनता है। आज हम सिंपल और आसान तरीका से बनाएंगे। आग पर इसको जलाकर बनाएंगे। आम को साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद इधर से इस तरह से कट कर देंगे। आम को गैस पर इस तरह से पका लेंगे। आम को अच्छा से पकाएंगे। अब आम पूरा अच्छा से पक गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और आम को ठंडा होने देंगे। आम ठंडा हो गया है, इसको हम पानी से साफ कर लिए हैं। अब ये छिलका हटा लेंगे। ये बहुत आसानी से छिलका हट जाता है इस तरह से। अब आम का पल्प निकाल लेंगे और बीज हटा देंगे। अब इस सबको ग्राइंड कर लेंगे पूरा अच्छा से। इसमें आप चीनी भी रख सकते हैं। हम नमक वाला आम पन्ना बनाएंगे तो काला नमक थोड़ा सा रखेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद नमक रखेंगे, जीरा पाउडर, काला गोल मरीच पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला रखेंगे। दो हरी मिर्च को छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके रखेंगे। एक पुदीना का पत्ता रखेंगे, पत्ता को भी तोड़ लेंगे। थोड़ा सा अदरक रखेंगे, अदरक का छिलका हटा देंगे और छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे। अब ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड हो गया है, इसमें अब पानी ऐड करेंगे। आम पन्ना को आइसक्रीम फ्रेम में रखकर आइसक्रीम भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है आइसक्रीम आम पन्ना का। और हम आम पन्ना बना रहे हैं, इसमें थोड़ा और पानी रखेंगे। ये गाढ़ा है, इसको आप अपने मन पसंद से गाढ़ा पतला कर सकते हैं। अब एक गिलास में बर्फ रखेंगे और आम पन्ना रख देंगे। और पुदीना का पत्ता को इस तरह से तोड़ तोड़ कर रख देंगे। अब ये आम पन्ना हमारा बनकर तैयार हो गया है। आम पन्ना गर्मी में पीना चाहिए, इससे हमारा सेहत भी ठीक रहता है और ये आम पन्ना लू से भी बचाती है गर्मी में। अब आम पन्ना हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।